हेलो दोस्तों, ऑसम बायस में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास है MSI का हीकेट बैकपैक और हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस बैकपैक में खास और जानने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए इस ब्रांड न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिखने में तो ये बैग काफी स्टाइलिश लगता है, जिसमें काफी जगह लेदर का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से किया गया है। और ये बैग काफी बड़ा लगता है क्योंकि ये एक गेमिंग बैकपैक है, जिसमें रेड का काफी ज्यादा यूज किया गया है। जैसे ये जो जिपर्स हैं ये पूरी रेड हैं। साथ में ये देखिए, इसके जो चेन है इसमें भी MSI की ब्रांडिंग यूज की गई है। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे बड़ी सी MSI की गेमिंग ब्रांडिंग, इसकी दोनों साइड आपको मिल जाती हैं। दो चेन जो कि एक सेम ही कंपार्टमेंट है, इसको आप दोनों मत समझिएगा। ये देखिए इस तरीके से मेरा हाथ यहाँ से इधर क्रॉस कर गया है, बट ये एक कंफर्टेबल चीज है, मेरे बहुत काम आती है। बॉटम में जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपका, यहाँ पे अच्छी तरीके से लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी अच्छा और एग्रेसिव लुक देता है। साइड में इसकी जो है वाइट है कलर की प्लास्टिक लाइनिंग दी गई है, जो कि लुक को और एक्स्ट्रा एडअप करती है। बैग के राइट साइड में हमें दिया गया है एक होल्डर, जिसकी हेल्प से आप इस बैग को हैवी लोड्स में आराम से होल्ड कर सकते हैं और इसको इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। बैग के लेफ्ट और राइट साइड दिए गए हैं हमें बॉटल होल्डर्स, जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट में आपको दिखेगा एक हेडफोन स्लॉट, बट ये हेडफोन स्लॉट मेरे बैग में बंद है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं इसे यूज करूं, बिकॉज इसके पीछे भी कोई ऐसा होल नहीं दिया गया है, साथ में अंदर भी कोई ऐसा होल नहीं है। अगर आप में से किसी को ये यूज करना आता है तो आप प्लीज कॉमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड हमें दिया गया एक हैंड होल्डर, जो कि काफी अच्छा है और काफी ज्यादा मोटा है, जिसकी मदद से आप आसानी से उसे होल्ड कर सकते हैं। बैग के बैक साइड ये स्ट्रैप्स हैं, उनमें MSI गेमिंग बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। ये इसके स्ट्रैप्स हैं जिनमें आपको मिलेगा एक होल्डर, जो कि आपको हैवी लोड्स में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके जो स्ट्रैप्स हैं उनमें कुशनिंग के बाहर रेड कलर का एक्सेंट दिया गया है, कुशनिंग उतनी मोटी नहीं है। तो ये रहा MSI गेमिंग के बैक साइड का व्यू, जिसमें एक दो और तीन थिन कुशंस प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में ये जो ब्लो डाउन का कुशन है, इसे आप ओपन करके इसमें अपनी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका बेस है, इसमें लेदर का यूज किया गया है और जो ये लेदर है ये कुशन की तरह काम करता है। चलिए दोस्तों अब इस बैग को खोलते हैं और इसके इंटरनल्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो ये चेन है, दो दो चेन दी गई है और बड़ी आसानी से सिंगल हैंडेडली मैं इसे खोल पा रहा हूँ। इस बैग के अंदर हालांकि अभी कुछ है नहीं, तो ये देखिए लगभग थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बट आसानी से खुल गया है। देखिए बैग के अंदर काफ़ी मैसिव स्पेस दिया गया है। यहाँ पे मैंने एक कॉपी रखी है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। तो ये देखिए, तो ये है इस बैग के चार कंपार्टमेंट्स, जिनमें स्पेस इतनी है कि आपका हाथ पूरा इसमें घुस जाता है और इसमें आप आसानी से चार्जर या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल स्टफ रख सकते हैं। अब ये जो सेकेंड कंपार्टमेंट है दोस्तों, ये है लैपटॉप कंपार्टमेंट, जो कि देखा जाए तो अच्छी तरीके से कुशन है अंदर से। और ये इसका लैपटॉप का स्लॉट है, ये भी अच्छी तरीके से कुशन है। ये इसका जिपर है, जिसमें आप 14 से 17 इंच तक के लैपटॉप्स को रख सकते हो। मेरा जो लैपटॉप है वो 15.6 इंच का है, जिसे मैं आसानी से फिट कर देता हूँ और उसके बाद भी इतनी स्पेस बची होती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें कुछ सामान फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरा ये लैपटॉप है, इसको मैं लैपटॉप कंपार्टमेंट स्लॉट में रखूँगा। ये रहा लैपटॉप और इसमें अभी भी काफ़ी स्पेस बाकी है, ताकि आप अपना 17 इंच का लैपटॉप आराम से इसमें फिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी सारी बुक्स हैं, रखी हुई हैं। इन बुक्स को भी मैं इस बैग में फिट करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बैग मैंने इसमें भर दिया है, सारी बुक्स इसमें आ गई हैं और अभी भी इसमें बहुत सारी स्पेस बची हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे पिचका रहा हूँ, यानी बहुत सारी स्पेस अभी भी बाकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कपड़े पैक करके।
दोस्तों अब बात करते हैं इस बैग के ओवरऑल कंक्लूजन को, कैसा मुझे ये बैग लगा। सबसे पहले बात करूंगा, ये बैग काफ़ी बड़ा है, यूज़ है, आपने देख लिया होगा कितना सामान मैं इसमें फिट कर सकता हूँ। ट्रैवल के लिए मैं इसी का यूज़ करता हूँ। दूसरी अच्छी चीज़ इसकी लगी लुक्स बहुत अच्छे हैं, लेदर का यूज़ किया गया है, प्रीमियम फील आता है। बट जो सबसे ख़राब चीज़ मुझे लगी है वो है इसकी प्रोटेक्शन। ये एक लैपटॉप बैग है बट इसकी प्रोटेक्शन उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी दोस्तों। इसमें कुशनिंग अच्छी यूज़ की गई है बट उतनी अच्छी अप टू द मार्क नहीं यूज़ की गई है। आपको अगर आप उबड़ खाबड़ जगह या बहुत ज़्यादा शॉक्स एंड जर्क्स वाली जगह पर रहते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो मेक श्योर कि आपका लैपटॉप MSI का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि MSI 2 kg से कम का वेट हो तो चलेगा बट 2 kg से अबव वेट का लैपटॉप है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मेरे लैपटॉप के स्कूटी में ट्रैवल करते करते मेरे लैपटॉप के अंदर का एक नट बोल्ट नट निकल गया था, ढीला हो गया था। तो लैपटॉप प्रोटेक्शन कम है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। मैंने इस बैग का प्राइस चेक किया अमेजोन पे तो आई वॉज शॉक्ड, मुझे शॉक लगा। ये बैग 11,000 का है जिसका वेरी करता है 14,000 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ये बैग जो मिला था MSI के लैपटॉप के साथ मिला था। अगर आपको ये बैग MSI के लैपटॉप के साथ मिलता है तो ओके, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसे ऑफलाइन मार्केट में ढूंढने की, आपको अच्छा दाम मिल सकता है। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके प्राइस को चेक करने के, अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप मुझे बताइए कि क्या आप गेमिंग बैग के लिए 11,000 स्पेंड करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो ऑसम बॉयज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।